जोगिंद्रनगर उपमंडल में कोरोना काल से बंद हुए स्कूलों के आज खुलने से बच्चों के चेहरे खिल गए हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मटरू, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अहजूब और प्राथमिक पाठशाला थारू चांजड़ा में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं आज अपने चेहरे पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते स्कूल पहुँचे। वहीं स्कूलों में भी छात्रों को पहले थर्मल स्कैनिंग से गुजरना पड़ा। पाठशाला में पढ़ाई के दौरान कोरोना नियमों का पूरा पालन किया गया। सभी स्कूलों में आज 50% के करीब छात्र छात्राओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। चैनल का धन्यवाद करती हूँ कि जो हमारी पाठशाला में आए और उन्होंने पूरा पाठशाला का जायजा लिया। COVID-19 के दौरान हमने देखा कि पूरी पाठशाला हमारी बंद हो चुकी थी, तो काफी अंतराल के बाद ये हमारी पाठशाला आज खुली है। और आज मैं देख रही थी कि बच्चों के चेहरे पर एक उत्साह था पाठशाला में आने का। और आज जो हमारी पाठशाला प्रातःकाल में प्रारंभ हुई तो 50% बच्चों ने आज इस पाठशाला में अपना योगदान दिया है, आए हैं पाठशाला में। सभी बच्चों के चेहरे पर मास्क लगे हुए थे, सभी बच्चे प्रॉपर डिस्टेंसिंग के साथ पाठशाला में आए। क्लासरूम्स में भी हमने उचित व्यवस्था पहले से ही कर ली थी, सैनिटाइजेशन पहले से ही हम क्लासरूम्स की कर चुके थे। और सभी अध्यापक प्राध्यापक वर्ग बच्चों के साथ पूरी तरह से उनको उचित दिशा निर्देश देने में लगे हुए थे। और जिस तरह से अध्यापकों ने उनकी कक्षा के कमरों में किस तरह से बैठना है, किस तरह से उनकी मूवमेंट्स अंदर बाहर होनी है, इस तरह के पूरे दिशा निर्देश दिए। तो इसी तरह से आज का हमारा ये प्रातःकालीन का प्रातःकाल का समय जो व्यतीत हुआ, और उसके बाद एक प्रॉपर तरीके से हमारी क्लासेस शुरू हुई। अध्यापकों को भी पूरी तरह से एक हमने उचित दिशा निर्देश दे रखे हैं कि किस तरह से बच्चों के साथ आपने क्लासरूम्स में उनको पढ़ाने का काम करना है, एक उचित दूरी बनाते हुए प्रॉपर मास्क लगा के, ताकि जो कोरोना महामारी हमारे यहाँ पे फैली हुई है उससे हम अपने आप को बचा सकें। जोगिंद्रनगर से कैलाश की रिपोर्ट।